नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कॉल एक्सटेंशन के बारे में। दोस्तों कॉल एक्सटेंशन, अलग अलग एड एक्सटेंशंस जो कि हम गूगल एड्स या पीपीसी सर्च एड्स में यूज़ करते हैं उसमें से एक है। दोस्तों हम अलग अलग एक्सटेंशंस के ऊपर वीडियोस आपको इसलिए दे रहे हैं बिकॉज आप सही इंडस्ट्री या बिजनेस टाइप के हिसाब से अगर सही एक्सटेंशन का यूज़ करोगे तो आपके सर्च एड्स या पीपीसी एड्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है ताकि आपके पास ज़्यादा लीड्स आएँ कम कॉस्टिंग के अंदर। तो दोस्तों कॉल एक्सटेंशन कैसे यूज़ करना है ये हमने इस वीडियो में बताया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए बिकॉज गूगल, फेसबुक, इंस्टा और इसी तरीके की बहुत सारी सीरीज़ हमारे चैनल के ऊपर आ चुकी हैं और आने वाली हैं ताकि लेटेस्ट कंटेंट पे आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, आप अपने एडवर्ड अकाउंट में लॉगिन कर लीजिएगा। पहले मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ किस तरीके से शो होगा। अब हमने ये गूगल से सैंपल निकाला है। अब यहाँ पर देखिए हमारा हेडलाइंस है, हमारा URL है, हमारी डिस्क्रिप्शन है, हमारे साइट लिंक्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कॉल एक्सटेंशन कहते हैं, डायरेक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है। कई बार ये कस्टमर्स वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर नहीं करता, उसको इमरजेंसी होती है, उसको लगता है कि ऊपर ही नंबर है, वो क्लिक कर देता है और आपके पास कॉल आ जाती है। ठीक है, तो इसको कॉल आउट एक्सटेंशन कहते हैं। अब इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों एक हम कैंपेन में आएंगे, फ्रेश कैंपेन बनाएंगे, बट कैंपेन हम डिटेल में बनाना नहीं सिखा रहे हैं। अगर आपको पीपीसी सर्च कैंपेन डिटेल में बनाना सीखना है तो उसके ट्यूटोरियल ऑलरेडी चैनल में है, वो आप सीख सकते हैं वहां से। तो फटाफट मैं आपको डेमो की तौर पे दिखाऊंगा और मेन फोकस हमारा कॉल एक्सटेंशन सिखाने पे रहेगा। लीड पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट विजिट्स पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट का URL कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर हम लिख देते हैं डिजिटल डेमो। बस यहां पर इसको डीसेलेक्ट करेंगे, सिर्फ सर्च नेटवर्क में करना है। लोकेशंस में जाएंगे, अभी के लिए बस सिर्फ दिल्ली कर देंगे। लोकेशंस आप अपने हिसाब से जो जो आपको रखनी है आप रख सकते हैं। सेव करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देंगे, ऑडियंस नहीं हमें छेड़ना है। बजट हम अपना 500 रखेंगे। उसके बाद हम आएंगे बिडिंग, बिडिंग में कुछ नहीं छेड़ेंगे अभी हम, क्योंकि हमें यहाँ पर फोकस करना है। तो हम ऑलरेडी हमने देखिए आपको पीपीसी कैंपेन भी प्रॉपर बनाना सिखाया है और हम अब आपको हर अलग अलग वीडियो में एक एक एक्सटेंशन सिखा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं थर्ड एक्सटेंशन सिखा रहा हूँ आपको, कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन में ये हमारा पुराना एक्सटेंशन बना हुआ है आपका, क्योंकि आप अगर पहली बार बना रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। बस सीधा आपको यहाँ जाना है न्यू कॉल एक्सटेंशन ऐड। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, ये हमारे सामने आ गया। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री में हम हैं, इंडिया में हैं हम। नंबर डालेंगे हम 09, एक नीचे सैंपल दे रखा है, सैंपल के अकॉर्डिंगली डालेंगे। नंबर डालने के बाद कॉल रिपोर्टिंग ऑन रखनी है ऑन रख सकते हैं, ऑफ रखनी है ऑफ रख सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो अब हम सेव करेंगे इसको। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो कॉल एक्सटेंशन है, ठीक है, ये जो यूज होता है ये जनरली यूज होता है जब आपका फोकस होता है कि कस्टमर हमारे नंबर पे कॉल करे, ठीक है, और आप स्टार्टिंग में ही अपना नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, अगर ऑफ कर देंगे तो यहाँ से नीचे के ऑप्शन चले जाएंगे, ऑन करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये कॉल फ्रॉम एड्स के लिए है जो कॉल ओनली एड्स होते हैं। तो वो उसका ट्यूटोरियल भी हमारे चैनल में है, वहाँ से आप सीख सकते हो कि अगर आपको सिर्फ कॉल ओनली ऐड बनाना है या पर वेबसाइट पे विजिट ना हो तो वो भी हमने ट्यूटोरियल दे रखा है। तो यहाँ पर हम ऑफ करेंगे इसको और सेव करेंगे।
अब प्रीव्यू दिखा रहा हूं मैं, कैसे दिखेगा देखिए दोस्तों, ये है मोबाइल का व्यू और ये है डेस्कटॉप का व्यू। हेडलाइन आ गई, वेबसाइट का यूआरएल आ गया, यहाँ पर हमारा नंबर आ गया, ठीक है। मोबाइल का व्यू दोबारा से देखिए, यहाँ हमारा नंबर आ गया। इसी तरीके से मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर आप अपना कॉल एक्सटेंशन लगा सकते हैं और उसका बहुत फायदा मिलेगा आपको, डायरेक्ट कॉल्स आएंगे आपको। तो दोस्तों आज हमने जाना कॉल एक्सटेंशन के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप इजीली अप्लाई कर लोगे। इसी तरीके से छोटे बड़े, बिगनर टू एडवांस लेवल के हम हर तरीके के टॉपिक पे प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग को हर प्लेटफॉर्म पे 360 डिग्री सीख के अपने बिजनेस में और करियर में अप्लाई करके ग्रो कर पाएं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।